राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला ज्ञान विज्ञान। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम आवाज से पहचाना रोग। तनु छुट्टियों में नाना जी के पास गांव में आई हुई है। तनु के नाना जी जाने माने डॉक्टर हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। आज तनु देर तक सोती रही और जब वो सुबह सैर के लिए तैयार होकर आई तो आ गई बेटी तनु। लेकिन आज तुमने बेटा जरा देर कर दी। हाँ वो नाना जी, आज मैं देर तक सोती रही थी ना। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं बाग की सैर करने। चलो जी। नाना जी, आज मौसम कितना अच्छा है, हवा भी कितनी ठंडी और अच्छी लग रही है। शायद बेटा तुम्हें पता नहीं, रात को खूब बरसात हुई थी। हाँ, तभी तो सब पेड़ पौधे साफ सुथरे नहाए धोए लग रहे हैं। और वो देखो, हवा के झोंके के साथ हिलते डुलते वो पेड़ पौधे ऐसे लग रहे हैं जिसे नाच रहे हो। नाना जी, मुझे आपकी सभी बातें याद रहती हैं। मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुनती हूँ। बिल्कुल, ये बात तो है तुम में, बातें तुम बड़े ध्यान से सुनती हो और ये अच्छी बात है बेटी। तो फिर आज और कोई अच्छी सी बात बताइए। बताएंगे बताएंगे बेटी, जरूर बताएंगे। आज तुम्हें हम एक नई वैज्ञानिक खोज के बारे में बताएंगे। तो बताइए ना। अभी नहीं, अभी तो सैर का आनंद लो, एक समय पर बस एक ही काम। अच्छा, तो कब सुनाएंगे? अरे घर लौटने के बाद, नाश्ता करने के बाद आराम से बैठ कर सुनाएंगे। अच्छा ठीक है, नाश्ते के बाद ही सही। पहले चलो अपनी सैर पूरी करो। चलो जी। नाना जी, नाश्ता तो कर लिया आपने भी और मैंने भी, तो अब सुनाइए ना नई खोज की कहानी। हाँ सुनो। देखो, जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि एक साधारण सी घटना से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत खोज निकाला गया, उसी तरह एक डॉक्टर ने अपने बचपन के एक अनुभव से बीमारी का पता लगाने की तरकीब निकाली। अच्छा। उसकी ये तरकीब इतनी कारगर रही कि इसका इस्तेमाल आज तक किया जाता है। वो तरकीब क्या थी नाना जी? वो तरकीब, अच्छा सुनो, इधर कुर्सी से उठ करके यहाँ मेरे पास आओ। मेज के पास लो। आ गई। हाँ देखो, यहाँ खड़े हो इधर मेरे पास। हाँ ठीक है, अब बताओ ये क्या है? ग्लोब है। ठीक, ये देखो मैंने जहाँ उंगली रखी है वहाँ पढ़ो और बताओ कौन सा देश है। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया बेटा यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है। आप तो यहाँ शायद गए हुए हैं ना? अरे शायद नहीं, बिल्कुल गया हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ कैसा है ये देश? अरे बेटी बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक आसमान को छूती हुई बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देती है दूर दूर तक। कल कल करते हुए बहते झरने और पहाड़ों की गोद में फैली हरी हरी घाटियां, शांत शांत झीलें, सच्ची बहुत बहुत मनमोहक है ये देश। आप तो कहानी की बजाय देश की बातें करने लगे। अरे बेटी इसी देश की तो ये कहानी है, जहां 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 एक लड़का रहता था। लड़का कितना बड़ा था नाना जी? पर ये समझ लो कि बस
तुम्हारी उम्र का होगा और बेटी उसका नाम था लियोपोल्ड ओवेनबुगर। लियोपोल्ड ओवेनबुगर। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ तो इस लड़के के पिता की एक सराय थी। सराय में एक गोदाम था और गोदाम में मदिरा रखी जाती थी। मदिरा यानी शराब। जी। लकड़ी के बड़े बड़े पीपों में, जिन्हें अंग्रेजी में बैरल कहते हैं। क्या? बैरल। हाँ, इन बैरलों में मदिरा भरी रहती थी। और जरूरत के मुताबिक पीपों में से मदिरा निकाल ली जाती थी। जी। समय समय पर इसकी जांच भी की जाती थी कि पीपा कितना भरा है और कितना खाली हो गया है। ये तो पीपों में झांक कर देखा जा सकता था। ना ना बेटा, पीपों का मुंह भी बंद होता था। अच्छा। हाँ, एक छेद में पाइप लगाकर मदिरा निकाली जाती थी, इसलिए ये पता करना मुश्किल होता था कि पीपा कितना भरा है, कितना खाली है। इसे पता करने की कोई तरकीब नहीं थी क्या नाना जी? थी ना। पहले तुम बताओ कि अगर किसी खोखली चीज को बाहर से बजाकर देखा जाए तो कैसी आवाज आएगी, बताओ? खोखली चीज को बजाने पर जो आवाज आएगी वो जोर की आवाज होगी, जैसे ढोलक के बजाने पर जोर की आवाज होती है, क्योंकि ढोलक अंदर से खोखली होती है। और ठोस वस्तु को बजाने पर हल्की सी आवाज आएगी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। तो इसी तरीके को वो लोग काम में लाते थे। पीपे को बाहर से ही उंगलियों से बजाकर देख लिया जाता था। यानी पीपे के जितने भाग में मदिरा भरी होती थी वहां धीमी आवाज आती थी। और पीपे का जो भाग खाली होता था वहां बजाने पर आवाज जोर से आती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बेटा वो लड़का यानी लियोपोल्ड जी रोजाना अपनी सराय में इस तरह पीपों की जांच करके देखता था। फिर क्या हुआ नाना जी? फिर बेटा बड़ा होने पर लियोपोल्ड डॉक्टरी की पढ़ाई करने वियना के मशहूर स्कॉटिश अस्पताल चला गया। अच्छा। तनु, ये आज से 200 साल पहले की बात है। जी। हाँ, पढ़ाई पूरी करने पर वो उसी अस्पताल में रोगियों का इलाज करने लगा और वो एक बड़ा सफल डॉक्टर सिद्ध हुआ। उसे यहीं मेडिसिन विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया बेटा। इसके बाद उसके पास छाती की बीमारी के मरीज बहुत आते थे। अच्छा। और छाती के रोग की पहचान का उस समय तक कोई साधन ही नहीं था। अच्छा। हाँ, अभी तक वो स्टेथोस्कोप का आविष्कार ही नहीं हुआ था। स्टेथोस्कोप यानी आला। हाँ। जिसे डॉक्टर अपने गले में लटकाए रहते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, वही वही जिसे छाती पर लगाकर फेफड़ों की जांच और दिल की धड़कनों की पड़ताल की जाती है। ठीक है, फिर डॉक्टर लियोपोल्ड ने क्या किया? किया क्या बेटा? उसने अपने बचपन में वो जो खाली और भरे पीपों की जांच वाला तरीका था ना जी, उसे अपनाया। उसने देखा कि छाती भी पीपे के समान है। अच्छा। हाँ, जिसके अंदर दोनों तरफ सांस लेने वाले फेफड़े होते हैं, उनके ऊपर झिल्ली होती है जो उन्हें चारों तरफ से घेरे होती है। ओ। हाँ, शरीर के बाईं ओर दिल होता है धक धक। फिर उन्होंने क्या किया नाना जी? बस वो लगातार प्रयोग करता रहा, अपने तरीकों को आजमाता रहा। उसने पाया कि स्वस्थ व्यक्ति की छाती को बजाने पर आवाज कुछ खास तरह की जोरदार थी।
अच्छा। और निमोनिया जैसे रोगों से पीड़ित मरीजों की छाती बजाने पर जो आवाज आई वो धीमी कमजोर थी। अच्छा। कमजोर इसलिए कि निमोनिया में मरीज के फेफड़ों में द्रव भर जाता है। बस डॉक्टर लियोपोल्ड को छाती बजाकर रोग की पहचान करने का सूत्र मिल गया। फिर वो अपने परीक्षणों में लगे रहे। वो स्वस्थ व्यक्ति की छाती बजाते तो ऐसी आवाज आती। फिर वो रोगी व्यक्ति जिसके फेफड़ों में द्रव भरा होता उसकी छाती बजाते तब ऐसी आवाज आती। छाती बजाकर रोग को पहचानने की उनकी इस तकनीक को आज भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन उनके अपने जीवन काल में उनकी इस तकनीक को मान्यता नहीं मिल पाई। मान्यता मिली बहुत बाद में, और मिली उस किताब के कारण जिसमें उन्होंने अपने अनुसंधानों का सारा ब्यौरा लिखा था। नाना जी ने तनु को आगे बताया। तो बेटा क्या हुआ कि एक फ्रांसीसी डॉक्टर था, उसका नाम था निकोलस कार्विसार्ड। अच्छा। हाँ, वो नेपोलियन का निजी डॉक्टर था। अच्छा। हाँ, उसके हाथ ये किताब लग गई। उसने इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद करवाया जी, और उसने इस टेक्निक को खुद अपनाया और अपने विद्यार्थियों को भी सिखाया। ओ। हाँ, तब कहीं जाकर इसे मान्यता मिली। नाना जी। हाँ? अब तो कई नई नई तकनीकें आ गई हैं। हाँ हाँ, जैसे स्टेथोस्कोप, एक्सरे। लेकिन बेटी जी, ये तकनीक आज भी काम में लाई जाती है। ओ। और आज भी बड़ी सफल मानी जाती है। इस तकनीक को जिसे परकशन तकनीक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परकशन। हाँ, अन्य रोगों की पड़ताल में भी काम में लाई जाती है। जैसे कौन कौन से रोगों में? जैसे बेटा पेट के रोगों में, जिगर के बढ़ जाने या पेट में रसौली बन जाने या आंतों में रुकावट आने से पैदा हुए रोगों की पड़ताल में इस तकनीक को काम में लाते हैं बेटा। अच्छा। हाँ? नाना जी। हाँ? आज आपने तो बहुत अच्छी बात बताई। बेटा बहुत अच्छी बात बताई ना जी। तब तुम हमें एक बहुत अच्छी सी चाय पिलवा दो। हाँ? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। हाँ तो बच्चों, बातों ही बातों में तनु ने अपने नाना जी से सीखी कितनी ही नई नई बातें। क्यों, तुमने भी सीखी ना? तो भाई इसके बारे में अपने साथियों से भी चर्चा करना। बच्चों, आज का ये कार्यक्रम डॉक्टर यतीश अग्रवाल की चिकित्सा विज्ञान की कहानियां नामक पुस्तक से ली गई एक कहानी पर आधारित है। आवाज से पहचाना रोग। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख डॉक्टर जगदीश चंद्रकेश, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीतू झांजी, जैमिनी कुमार और मिताली, तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार और सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन